और अब खबर रायपुर से है, जहां पर प्रदेश में 30 नर्सिंग कॉलेजों में जीरो ईयर घोषित होने के बाद भी प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के एडवांस में पैसे और ओरिजिनल मार्कशीट लिए गए हैं। दरअसल 9 नवंबर को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की प्रथम सूची जारी की, जिसमें 4,470 विद्यार्थियों में से 2,807 विद्यार्थियों ने प्रथम सूची में आवंटन प्राप्त कर लिया। पंजीयन समाप्त होने के बाद जीरो ईयर घोषित कर दिया गया। अब इन 30 नर्सिंग कॉलेजों का चयन किए हुए लगभग 1500 विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं। अलॉटमेंट तो सेंट्रल यहीं पे सेंट्रली होता है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के द्वारा, और उसके बगैर बाहर से कोई प्रवेश करने का किसी को अधिकार ही नहीं है लेने का, तो ये तो गलत है, गैर कानूनी है। और शिकायत प्राप्त होगी तो जरूर इसको जांच और इंक्वायरी करके एक्शन लेंगे, क्या हुआ है उसका।